तो हेलो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे आत्मा का वजन कितना होता है? तो दोस्तों, आपने ये सोचा तो होगा, पर शायद आपको इसका आंसर आज से पहले कभी नहीं मिला होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे आत्मा का वजन कितना होता है। तो दोस्तों, अगर मैं हूँ अमित सिंह रावत, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, साइंटिस्ट ने हमारी आत्मा का वज़न पता लगाने के लिए एक प्रक्रिया की। जैसे आदमी के मरने से पहले उसका वज़न टोटल कितना है और उसके मरने के बाद कितना है। तो दोस्तों, साइंटिस्ट ने एक आदमी का वज़न मरने से पहले माप लिया और मरने के बाद में भी उसको मापा, तो उनको ये पता। तो दोस्तों, जो डेड बॉडी थी उसका मरने से पहले और मरने के बाद में टोटल डिफरेंस निकला 21 ग्राम्स। तो दोस्तों, साइंटिस्ट को ये पता चल गया था कि एक आत्मा का वज़न 21। पर दोस्तों, दूसरे साइंटिस्ट ने यह कहा कि आदमी के शरीर में काफ़ी ऐसे सेल्स होते, काफ़ी ऐसे बैक्टीरिया होते जो आदमी के मरने के बाद में ही नष्ट हो जाते हैं। बट दोस्तों, ये भी थ्योरी गलत निकली। दोस्तों, दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट हुआ एक मोटे आदमी और एक पतली लड़की के बीच में, तो दोस्तों उसके बाद में भी डिफरेंस 21 ग्राम से ही निकला, जिससे पता चल गया कि आत्मा का वज़न 21 ग्राम से होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।